स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। बीते साल के मई महीने का आखिरी दिन अमेरिका के शिकागो शहर में इतना खून खराबा हुआ कि पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड टूट गए। उस रोज शहर में कई हत्याएं हो रही थीं। मरने वालों में छात्र, रोजमर्रा के काम में जुटे लोग और एक दूसरे की जान के प्यासे गिरोहों के सदस्य शामिल थे। एक ही दिन में कुल मिलाकर 18 मर्डर हुए। इससे कुछ ही हफ्ते पहले शहर के नए पुलिस प्रमुख ने अपने विभाग को लक्ष्य दिया था कि इस साल 300 से ज्यादा हत्याएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2020 के आखिर तक पुलिस ने हत्या के 769 केस दर्ज किए, पिछले साल से 55% ज्यादा। शिकागो में मर्डर रेट कितना ज्यादा है इसे इटली से तुलना करके भी समझा जा सकता है। इटली में पिछले साल 271 हत्याएं हुई थीं, जबकि उसकी आधी से भी कम आबादी वाले शिकागो में 769 लोगों की हत्याएं हुईं। तो इस हफ्ते हम पड़ताल करेंगे कि फाइनेंस, संस्कृति, शिक्षा, उद्योग और कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शिकागो शहर में इतनी ज्यादा हत्याएं क्यों होती हैं और पुरजोर कोशिशों के बावजूद इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट वन, लंबा इतिहास। शिकागो कई अलग अलग तरह की आबादी वाले मोहल्लों से बना शहर है। ये हैं हमारे पहले एक्सपर्ट डेक्स्टर वाइसन। उन्होंने शिकागो में 20 साल तक शोध करके ये जानने की कोशिश की है कि अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े शहर में इतने हिंसक अपराध क्यों होते हैं। अभी वो कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में डीन और प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि शहर की इस हालत के लिए यहाँ का इतिहास, वर्तमान और भूगोल जिम्मेदार है। उत्तरी हिस्से में गोरे लोग ज्यादा रहते हैं और दक्षिण हिस्से में आपको काले लोग ज्यादा मिलेंगे। पश्चिमी हिस्से में हिस्पैनिक और काले लोगों की आबादी ज्यादा है। नस्ली आधार पर भी इलाके बटे हुए हैं। इन इलाकों के बीच आर्थिक फर्क भी साफ देखा जा सकता है। हिंसा पूरे शहर में नहीं होती, जो गरीबी वाले इलाके हैं ज्यादातर हत्याएं वहीं पर होती हैं। शिकागो के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में गरीबी और अपराध ज्यादा है। जिन इलाकों में काले और कम आय वाले हिस्पैनिक रहते हैं वहां नस्लीय विभाजन भी ज्यादा है। आपको आर्थिक रूप से कमजोर गोरे लोग तो पूरे शहर में बिखरे मिलेंगे, मगर गरीब काले लोग एक ही इलाके में ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि दक्षिणी इलाके में। ऐसा होने के पीछे ऐतिहासिक कारण है। इसकी शुरुआत होती है 20वीं सदी से, जब अमेरिका के दक्षिणी इलाकों में नस्लीय हिंसा और भेदभाव से परेशान होकर लाखों अफ्रीकी अमेरिकी पलायन करके उत्तरी राज्यों और मिडवेस्ट के शिकागो जैसे शहरों में बस गए। फिर 1930 में एक सरकारी नीति में अफ्रीकी अमेरिकियों के इलाकों को ऐसी जगह के तौर पर चिन्हित कर दिया गया जहां से कर्ज चुकाए जाने की संभावना बहुत कम है। यहां तक कि संघीय फंड से बने मकानों को लेकर भी शर्त रख दी गई कि यहां काले परिवारों को न रखा जाए। So, these neighborhoods were primarily paralyzed. काले लोगों की आबादी वाले ये इलाके संसाधनों की कमी के चलते बहुत पिछड़ गए। काले लोगों को कहीं और जाकर बसने नहीं दिया गया, ये मानकर कि ये समस्याएं बढ़ाएंगे। कर्ज देने में भेदभाव और उनके इलाकों को नजरअंदाज करके काले लोगों को एक ही इलाके में सीमित कर दिया गया। कर्ज और घर देने में भेदभाव वाला नियम तो साल 1967 में खत्म कर दिया गया, मगर तब तक गलत नींव पड़ चुकी थी। आज भी काले लोग शिकागो के कुछ हिस्सों में सिमटे हुए हैं। उन्हें कर्ज लेने में दिक्कत होती है, लेकिन इस सब का ज्यादा हत्याओं से क्या संबंध है? Well, again, we know from decades of data that poverty is related to crime. कई दशकों का डेटा बताता है कि गरीबी और बेरोजगारी का अपराध से सीधा रिश्ता है।
ऊपर से समस्या ये है कि जो लोग किसी अपराध में पकड़े जाते हैं उनके परिवार और ज्यादा मुश्किलों में डूब जाते हैं। घर के कमाने वाले सदस्य की जेल जाने के बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परिवार बच्चों पर नजर नहीं रख पाते और वो भी अपराध के दलदल में फंस जाते हैं। सवाल ये भी है कि इन हत्याओं में गैंग से जुड़ी हिंसा का कितना योगदान है। Much of it is related to gangs, gang initiation. ज्यादातर हत्याएं गैंग्स के कारण होती हैं। हत्या के मामलों में बच्चे भी कई बार शामिल रहते हैं क्योंकि इन इलाकों में शिक्षा व्यवस्था सही से काम नहीं कर रही। बच्चों को लगता है कि पढ़कर भी सही कमाई लायक पैसे तो मिल नहीं पाएंगे। फिर कुछ मामले घरेलू हिंसा के भी हैं। कुछ उन लोगों की वजह से भी हैं जो अपने पास बंदूक रखते हैं और आत्मरक्षा में इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफी पेचीदा मामला है, इसका कोई एक जवाब नहीं है। पार्ट टू, समाधान। Frequently I give lectures and I show maps of the city of Chicago. मैं अक्सर गेस्ट लेक्चर देता हूं और इस दौरान शिकागो के नक्शे में दिखाता हूं कि किन इलाकों में गुर्दे या दिल की बीमारियां, डायबिटीज और गन वायलेंस ज्यादा है। ये सभी समस्याएं कुछ ही इलाकों में ज्यादा दिखती हैं। हमारे दूसरे एक्सपर्ट अर्ल फ्रेडरिक इमरजेंसी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। उनका जन्म शिकागो में हुआ और वो 30 साल से यहीं काम कर रहे हैं। वो बंदूकों से होने वाली हिंसा को एक ऐसी बीमारी मानते हैं जिसका इलाज तुरंत किया जाना चाहिए, वरना ये फैलती चली जाएगी। And if we take an epidemiologic perspective of it, अगर इसे एक बीमारी की तरह देखें तो जिन इलाकों में गरीबी, बेरोजगारी, कम शिक्षा, कम आमदनी या फिर रिहायश और खाने को लेकर असुरक्षा ज्यादा होगी, वहां पर बीमारियां ही नहीं बल्कि हिंसा और खास तौर पर गन वायलेंस ज्यादा पनपेगी। अगर हिंसा एक बीमारी है तो इसका इलाज कैसे होगा? Well, it has to be treated by addressing the underlying causes. इसका निदान करना है तो पहले इसकी जड़ को खत्म करना होगा। इस समस्या के तार देश में मौजूद नस्लवाद और अलगाव तक जाते हैं। इसी वजह से इतनी ज्यादा विषमता पैदा हुई है कि मौजूदा तौर तरीकों से बदलाव की उम्मीद नहीं दिखती। पिछड़े समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत करके इसका इलाज किया जा सकता है। जो इलाके गरीब और पिछड़े हैं, वहां के विकास पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन क्या बंदूक चलाने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? किसी को मारने या घायल करने का फैसला गोली चलाने वाला ही तो करता है। Yes, in your decisional capacity. हाँ, लेकिन ऐसा फैसला आप कैसे और क्यों लेते हैं उसका एक संदर्भ होता है। मान लीजिए आपको राशन की जरूरत है। अगर आपके पास नौकरी, घर और पैसा है तो आप अपनी कार में बैठेंगे और जरूरत का सामान खरीद लाएंगे। लेकिन बात तब अलग हो जाती है जब आपके पास राशन खरीदने के लिए पैसे ना हो और नौकरी भी ना हो, और जो पैसा आपके पास आ रहा हो वो किसी अपराध वाले काम में शामिल होकर आ रहा हो। कोई अपने फैसले के लिए खुद जिम्मेदार होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने वो फैसला किन हालात में लिया इस पर भी विचार करना होगा। पार्ट थ्री, हत्या करके बच निकलना। My name is Rafael Mengual. I'm a senior fellow and deputy director of legal policy at the Manhattan Institute. मेरा नाम राफेल ए मेंगवाल है। मैं मैनहट्टन इंस्टीट्यूट में लीगल पॉलिसी में सीनियर फेलो और उपनिदेशक हूं। शिकागो के बाशिंदों, नेताओं, पुलिस अधिकारियों और विशेषज्ञों सबका मानना है कि यहां पर लंबे समय से बेतहाशा हत्याएं हो रही हैं और ये सिलसिला रुकना चाहिए, मगर इन हत्याओं की वजह को लेकर सबकी राय बटी हुई है। हमारे अगले एक्सपर्ट राफेल हत्याओं के लिए आर्थिक सामाजिक कारणों को ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानते। गंभीर हिंसा वाले अपराधों के पीछे सामाजिक आर्थिक कारणों को मैं ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानता। ऐसे कुछ सबूत हैं जो बताते हैं कि बेरोजगारी बढ़ने या कुछ इलाकों में निवेश घटने के कारण प्रॉपर्टी से जुड़े अपराध बढ़ सकते हैं, लेकिन इनका रिश्ता हिंसक अपराधों से भी है, इसके समर्थन में ठोस सबूत मौजूद नहीं है। हत्या दर घटाने में नाकाम रहने के लिए शिकागो पुलिस की भारी आलोचना होती है। 2019 में 486 लोगों की हत्याएं हुई, मगर सिर्फ 109 मामलों में गिरफ्तारियां हुई, यानी 22% मामलों में ही।
इसके वैसे तो कई कारण हैं, मगर एक बड़ी वजह है लोगों में पुलिस की मदद करने को लेकर हिचक। ये काफी परेशान करने वाली बात है। जांच करने वाले अफसरों को अमेरिका के कई शहरों में लोगों के असहयोग का सामना करना पड़ता है। लोगों का पुलिस से भरोसा इसलिए टूटा है क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि जिसके खिलाफ वो गवाही देंगे वो ज्यादा समय तक जेल जा पाएगा। लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गवाही देने पर पुलिस उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाएगी, और सिस्टम भी इस खामी को दूर करने का इच्छुक नहीं दिख रहा। पुलिस क्रूरता के मामलों के कारण भी लोगों में पुलिस विरोधी भावना बढ़ी है। राफेल का कहना है कि पुलिस की क्रूरता के चर्चित मामलों और ब्लैक लाइव्स मैटर्स प्रदर्शनों के कारण पुलिस अधिकारी अपने करियर को बचाने की चाहत में कार्रवाई करने से झिझकने लगे हैं। वो ये भी मानते हैं कि अपराधियों को लंबे समय तक जेल भेजा जाना चाहिए। अगर अपराधी लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहेगा तो उसे अपराध करने के कम मौके मिलेंगे। हमने देखा है कि जब जेल भेजे जाने की दर बढ़ती है तो अपराध कम होते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में अपराधी सलाखों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन शिकागो में ऐसा कम हो रहा है और इसी कारण हत्याओं का सिलसिला जारी है। पार्ट 4, पूरी तस्वीर। शिकागो काफी बड़ा शहर है। भले ही यहां अमेरिका के बाकी शहरों की तुलना में ज्यादा हत्याएं होती हैं, लेकिन मर्डर रेट के मामले में ये देश के कुछ और शहरों से पीछे है। हमारी अगली एक्सपर्ट जेनिफर डोयलिक टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं और क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर और इसे घटाने के तरीकों की एक्सपर्ट हैं। जेनिफर बताती है कि यहाँ के कुछ इलाकों में ही ज्यादा हत्याएं होती हैं और इसकी एक खास वजह है। शिकागो में कई शहरों के मुकाबले गैंग वायलेंस ज्यादा है, तो शायद यही वजह है कि बाकी जगहों पर जिन तरीकों से हिंसा घटती है वो यहाँ पर काम नहीं आते। आमतौर पर हिंसक अपराध प्रॉपर्टी को लेकर या दूसरे आर्थिक कारणों से होते हैं। शराब पीने से भी हिंसा होती है क्योंकि लोग पीने के बाद बेवकूफियां करते हैं। इससे घरेलू हिंसा और हत्याएं तक होती हैं, लेकिन शिकागो में गैंग वायलेंस ज्यादा है, जो एक तरह का संगठित अपराध माना जा सकता है। 2020 में शिकागो ही नहीं पूरे अमेरिका में अपराध बढ़े। ऐसा क्यों हुआ इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हमारे पिछले एक्सपर्ट राफेल की तरह जेनिफर भी मानती है कि न्याय व्यवस्था और पुलिस के व्यवहार में सुधार लाने की जरूरत है। लेकिन सवाल है कि क्या 2020 में अपराध बढ़ने के लिए कोरोना महामारी भी जिम्मेदार है? I do think that, you know, the social distancing means there are fewer people out. मैं ऐसा नहीं मानती। ऐसा सामने आया है कि महामारी की शुरुआत में अचानक बंदूकों की बिक्री बढ़ गई थी। जिनके पास बंदूकें नहीं थी उन्होंने भी खरीदी। बंदूकें ज्यादा होंगी तो हिंसक मुठभेड़ों की आशंका ज्यादा होगी। अमेरिका में 1990 के दशक की शुरुआत में बहुत हिंसक अपराध होते थे, मगर 90 के दशक के बीच में उनमें रहस्यमय ढंग से गिरावट आई। अभी तक इसका पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये कमी क्यों आई। अभी 2020 में जो उछाल देखने को मिला वो भी 90 के दशक के मुकाबले काफी कम है। अमेरिका में 90 के दशक के बाद क्राइम रेट क्यों गिरा इसकी वजह साफ नहीं है, लेकिन ये चिंता की बात है। That is a concern that's come out of this mysterious drop. People still don't fully understand why we're in this position. अपराध दर में कमी आने से हम राहत की सांस तो ले सकते हैं, लेकिन इसका कारण मालूम ना होने की वजह से ये डर हमेशा बना रहेगा कि कहीं हम कुछ ऐसा ना कर दें कि मामला उलट जाए। जिस वजह से अपराध घटे हों उसमें गलती से भी बदलाव किया तो ना चाहते हुए भी हम क्राइम रेट बढ़ा देंगे। शिकागो में इतनी ज्यादा हत्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि ये शहर कई सारे पेचीदा मामलों की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पा रहा। ऊपर से समस्या ये है, इन सभी मसलों का निदान किसी एक तरीके से नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ होने वाली हत्याओं के सिलसिले में बहुत कम गिरफ्तारियां होती हैं, इसे बदलना होगा। साथ ही अपराधियों को सजा दिलाने की दर बढ़ाने से भी हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन फिलहाल कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि इस खूबसूरत शहर को हर रोज होने वाले खून खराबे से कब राहत मिलेगी।